तो दोस्तों आप देख सकते हैं केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है और ये केक हमने पानी से बनाकर तैयार किया है। हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वनीला केक स्पंज की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इस केक को हम बिना कंडेंस्ड मिल्क, बिना मिल्क पाउडर, बिना दही, बिना बटर और बिना ओवन के और बिना एग के हम इस केक को बनाकर तैयार करेंगे और ना ही हम इसमें दूध का यूज़ करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ 5 ऐसे मिस्टेक्स शेयर करूंगा जो कि हम जनरली केक बनाते समय कर देते हैं और हमारा केक बिगड़ जाता है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डाला है मैंने 1/2 कप पिसी हुई चीनी। तो चीनी एकदम बारीक मैंने पीस रखी है। तो अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 1/3 कप रिफाइंड ऑयल। तो कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारा केक है ऑयली हो जाएगा। तो अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस। तो अगर कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि वनीला एसेंस ना हो तो हम क्या करें, तो दोस्तों ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है, ये जस्ट फ्लेवर के लिए होता है। अगर वनीला एसेंस ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं टोटली। तो अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा इस तरह विस्कर की सहायता से। और दोस्तों हमें इस केक में ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे क्या होता है हमारा केक है थोड़ा चिपचिपा बन जाता है। तो इसको मैंने अच्छे से इस तरह मिक्स कर लिया है लगभग 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप पानी, ये हल्का गर्म पानी है। तो पानी हमें हल्का गर्म ही लेना है, इससे क्या होगा कि हमारा जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो इसको हमें लगभग 30-40 सेकेंड के लिए और मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो इसका अच्छा सा घोल है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। तो अब इस बाउल के ऊपर रख दिया मैंने एक छलनी, इसमें डालूंगा मैं 1/2 कप रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा। तो मेजरमेंट आपको एकदम बराबर रखना है, जैसा मैं इसमें डाल रहा हूँ उतना ही आपको डालना है। अब इसमें डालूंगा मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें डालूंगा मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो अगर आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही नहीं है तो आप इसमें 1 पाउच इनो का यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सभी को मैं अच्छे से छान लूँगा। तो इनको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इनको छानने के बाद मैं विस्कर की सहायता से हल्का सा इसको मिक्स करूंगा। तो दोस्तों जब भी आप इसे विस्कर से मिक्स करें तो हल्के हल्के हाथों से मिक्स करें, जल्दी जल्दी मिक्स ना करें। तो अगर आप विस्कर यूज़ नहीं कर रहे तो आप स्पैचुला से इसको मिक्स करें। तो अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1/2 कप पानी, तो सारा पानी एक साथ नहीं डाला है मैंने, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालेंगे। तो पहले मैं विस्कर की सहायता से इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगा, उसके बाद मैं इसको स्पैचुला से करूँगा मिक्स। तो दोस्तों बैटर को है हमें ओवर मिक्स नहीं करना है, हल्का सा इसको मिक्स करते जाना है। ओवर मिक्स करने से क्या होता है, हमारे बैटर जो है जब भी हम केक को बेक करते हैं वो एकदम नीचे बैठ जाता है। तो अब इसको मैं इस तरह विस्क कर लूँगा हल्के हल्के हाथों से। तो आप देख सकते हैं बैटर अच्छे से लगभग रेडी हो चुका है। अब जो बचा हुआ 1 टेबल स्पून पानी था उसको भी हम डाल देंगे और इसको एकदम हल्के हल्के हाथों से इस तरह मिक्स करते जाना है। तो आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी किस तरह की हो गई है। तो इसी तरह का हमें बैटर बनाना है। तो टोटली हमें इसमें 3/4 कप पानी का यूज़ किया है। अब इसके अंदर डालूंगा मैं विनेगर 1 टीस्पून। तो विनेगर डालने से क्या होता है, जब ये बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा केक है अच्छे से फूल कर बाहर आता है, यानी अच्छे से फूल कर एकदम स्पंजी हमारा केक है वो बन के तैयार होता है। तो विनेगर डालने के बाद इसको मैं इस तरह स्पैचुला की सहायता से फोल्ड कर लूँगा। और विनेगर डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस हल्का सा इसको मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने हल्का सा लगभग 10-12 सेकंड के लिए मिक्स कर लिया है। और आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बैटर में बबल्स आना शुरू हो गए हैं और हमारा बैटर है वो हल्का सा फूलना शुरू हो गया है विनेगर डालने के बाद। तो इसको हम साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने 6 इंच का राउंड शेप का केक टिन लिया है, तो इसको हम पहले रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगा, चारों तरफ हमें इसको ग्रीस कर लेना है रिफाइंड ऑयल से। तो इसको मैंने ग्रीस कर लिया है रिफाइंड ऑयल से। अब इसमें रख दूंगा मैं एक बेकिंग पेपर, आप चाहे तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास बटर पेपर भी ना हो तो आप इसमें मैदे की डस्टिंग कर सकते हैं। और इसको भी मैं ग्रीस कर दूंगा रिफाइंड ऑयल से। तो हमारा केक टिन है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम बैटर को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बैटर में हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, तो इससे हमारा केक है बहुत ही टेस्टी और एकदम फ्लफी बनके तैयार होगा।
तो इसको अब हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे केक टिन के अंदर। तो सारा का सारा जितना भी बैटर हमने प्रिपेयर किया है यानी बनाया है उसको हम केक टिन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बैटर हमने इसमें डाल दिया है और अब इसको हम 3 से 4 बार टैप कर देंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स है वो मिट जाएं। तो चलिए अब इसको बेक करेंगे, इसको हम बिना ओवन के बेक करेंगे। तो आज इसको हम कढ़ाई में बेक कर रहे हैं, तो कढ़ाई को मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। तो अब इसके अंदर रख दिया मैंने जाली स्टैंड, आप चाहें तो इस तरह की कोई कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं इसको उल्टा करके। तो अब इसके अंदर रख देंगे हम हमारा केक टिन। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम बेक करेंगे लगभग 45 से 50 मिनट के लिए या फिर 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो बीच में हमें इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है और इसमें आप देख सकते हैं इसके ढक्कन में थोड़ा सा छेद है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे चाहे तो ढक भी सकते हैं, ना चाहे तो ना ढकें। तो अब इसको हम बेक होने देते हैं। तो लगभग 30 मिनट बाद मैं आपको केक दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस स्टेज पर आपको ढक्कन नहीं हटाना है। तो इससे क्या होता है कि जब हम ढक्कन एक बार हटा देते हैं बीच में केक फूलता रहता है, तो केक वो नीचे बैठने का चांस उसमें ज़्यादा होता है। तो अब आपको ऊपर से दिख रहा है ये हल्का सा अभी कच्चा है। तो अब इसको हम बेक होने देंगे थोड़ी देर और, लगभग 10 मिनट। तो अब मैं 40 मिनट बाद आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं केक अच्छे से लगभग बेक हो चुका है, लेकिन अभी भी ये अंदर से थोड़ा सा कच्चा लग रहा है। तो हम इसको लगभग 5 मिनट के लिए और बेक कर लेंगे। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको लगभग 5 मिनट के लिए बेक होने देंगे। तो अब मैं आपको 45 मिनट बाद दिखा रहा हूँ। तो हमारा केक है अब कम्प्लीटली बेक होकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक टूथपिक लिया है और उस टूथपिक के साथ ऐसे हम केक को चेक कर लेंगे। आप चाहें तो कोई नाइफ से भी चेक कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं टूथपिक हमारी एकदम क्लीन आ रही है, यानी हमारा केक है अच्छे से परफेक्टली बेक हो चुका है। तो इस केक टिन को हम बाहर निकाल लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे एक कपड़ा, यानी इसे कपड़े से ढक देंगे और इसको हमें लगभग आधा एक घंटा या फिर 45 मिनट के लिए हमें इसको छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। तो लगभग 45 मिनट बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर। तो यहाँ पर हमने एक नाइफ़ लिया है, इस नाइफ को हम केक के चारों तरफ इस तरह चला देंगे। इससे हमारा केक है बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगा। तो नाइफ को मैंने चला दिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे एक प्लेट और इस केक टिन को इसके ऊपर पलट देंगे और इस पर थोड़ा सा टैप करके इसको बाहर निकालेंगे। वाओ, तो आप देख सकते हैं हमारा केक बहुत ही स्पंजी और एकदम जालीदार हमारा केक बनके तैयार हुआ है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं केक का। तो मैं आपको केक को प्रेस करके दिखा देता हूँ। बहुत ही स्पंजी हमारा केक है वो बनके तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं एकदम जालीदार लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट ये केक बना है। तो एक बार मैं आपको प्रेस करके दिखा रहा हूँ इस तरह। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है स्पंजी हमारा केक है वो बनके तैयार हुआ है। अब मैं आपको केक को काट कर भी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको इसको प्रेस करके दिखाऊंगा कि कितना सॉफ्ट और स्पंजी हमारा केक बनके तैयार हुआ है। तो इस तरह मैंने इसका एक स्लाइस काट लिया है। तो लगभग केक मैंने आधा घंटे और ठंडा कर लिया था। तो आप देख सकते हैं केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार हुआ है। तो दबाने पर तो आपको पता ही चल रहा होगा केक बहुत ही स्पंजी बना है। तो इस केक को हमने पानी से बनाकर तैयार किया है। तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी हमारा केक है वो बनके तैयार हुआ है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हमने केक को बनाया है और घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से हमने बनाया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।